नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं तड़के पे तड़का। और यहां लग रहा है जबरदस्त तड़का क्योंकि मैं बना रहा हूं दाल। अब दाल स्टोरी जो है ना बड़ी कमाल की है। ऑनेस्टली ऊपर से चलिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहां भी जाए हर स्टेट की अपनी एक दाल स्टोरी और अपने कॉम्बिनेशन। प्रॉब्ली इसलिए क्योंकि वहां उस टाइप की दाल ज्यादा उगती है, ठीक है, और उनके कॉम्बिनेशन भी वैसे ही होते हैं। जैसे नॉर्थ में चले जाओ तो मुझे जहाँ तक याद है मेरी मम्मी को मैंने हमेशा येलो दाल की बातें जब हम करते हैं तो येलो दाल में मेरी मम्मी हमेशा मूंग मसूर और मूंगी मसरां दी दाल, पंजाबी में जैसे हम बोलते हैं मूंगी मसरां दी दाल। जैसे ही वेस्ट की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा तूर दाल का एडिशन हो जाता है और कहीं कहीं पर सिर्फ तूर दाल भी यूज़ होती है क्योंकि यहाँ पर पैदावार ज़्यादा होती है। लातूर में, सांगली में, महाराष्ट्र में, थोड़े बहुत एमपी के इलाकों में ये तूर दाल होती बहुत ज़्यादा, ठीक है। साउथ में चले जाओ फिर से तूर दाल का चलन काफ़ी होता है। मसूर दाल भी वो यूज़ करते हैं और मसूर दाल सांभर में बहुत यूज़ करते हैं, वहाँ मूंग थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हर जगह पे और हर स्टेट में अपनी एक दाल की स्टोरी है और आज मैं तीन प्रकार के दाल बना रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, दाल सबसे पहले मैं बताऊँ, ऐसे अगर दाल लेते हैं तो आपको पानी डाल के, ऐसे दाल लेते हैं ना, मसूर की दाल, मूंग की दाल, जो भी लेते हैं, पानी डाल के ना आपने ये नहीं करना प्लीज, क्योंकि इससे क्या होता है कि सारे प्रोटीन्स वगैरह ना काफी लॉस होता है, ठीक है जी। आप सोचते हैं कि नहीं, हम रगड़ के धोएंगे तो ऊपर का जो डस्ट है वो निकल जाएगा, कचरा निकल जाएगा, कुछ नहीं, बस इस तरह के छन्नी में, कोई भी प्रकार की छन्नी हो आपके घर में, तो दाल जब धोनी होती है ना इस तरह की छन्नी में आपने दाल डालनी है और ऊपर से पानी नीचे बोल रख दीजिए। दाल यहाँ पे थोड़ा सा जो पानी है बह रहा है, पानी जैसे ही साफ होने लगे समझ जाइए दाल धुल गई, बस हटा दीजिए, रगड़िए मत, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट स्टेप उसको भिगोना है। अब हर दाल की भिगोने की भी समय अलग होता है। जैसे मूंग, ये जो मूंग है पीली वाली और ये मसर है, ये इनको कम समय लगता है। तुअर दाल, चना दाल, होल दालें जो होती हैं उनको ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा समय देना होता है। ये आधे घंटे के लिए काफ़ी है, पानी पी के मस्त हो जाती है, कहते बस 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 बहुत हो गया, बस आई ड्रैंक इनफ वाटर, दैट्स इट, ठीक है जी। तो आज हम कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। एक मेरी मम्मी, मेरी पेपे जो बनाती थी और उसी टाइप का नॉर्थ में एक दाल बनती है सिर्फ मूंग मसूर और उसमें लगता है हींग जीरे का तड़का, बस काम खत्म और कुछ नहीं डालते। एक बनाएंगे हम आंध्रा स्टाइल, वो मेरा स्टाइल होगा, भरपूर जिसको कहते हैं टमाटो भरपूर, वो मेरे स्टाइल में बनाऊंगा, ठीक है जी। वो एक स्टाइल में हम बनाएंगे दाल और एक जो है बढ़िया मस्त वाला जो तड़का लगता है ना दाल, वो बनाएंगे, ठीक है। तीन प्रकार की दालें बनाएंगे, एक हींग जीरे का तड़का, एक परपू, ठीक है जी, आंध्रा वाली स्टाइल, और एक जो है वो मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगा जो शेट्टी लोग बनाते हैं यहाँ मुंबई में ज़्यादातर। तो पहले तो जो दाल है उनको उबाल लेते हैं। ये भी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दो लोगों के लिए दाल चाहिए कितनी होती है। दो लोगों के लिए ना ऑनेस्टली एक कप जो है ना बहुत हो जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं दाल डाल लूँगा और यहाँ प्रेशर कुकर में दोनों बना रहा हूँ, एक साइड प्रेशर कुकर है और एक साइड फ्राइंग पैन, ठीक है जी। तो फ्राइंग पैन में पानी डाल लेता हूँ लगभग 2.5 कप, ठीक है, दाल की कंसिस्टेंसी के ऊपर। जो मैंने अभी हरिद्वार में खाई थी जाऊँ वहाँ पे हींग जीरे का तड़का, आहा मज़ा आ गया। उसके लिए ये लीजिए मूंग दाल, सोक करके रखी है मैंने इक्वल क्वांटिटी मूंग और मसूर, ठीक है, और जिसमें सोक किया ना पानी वो भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। इक्वल क्वांटिटी में ले लिए, ये लीजिए। अब इसको छोड़ देते हैं, दो लोगों के लिए एक कप सोक दाल बहुत है। मैंने जो यहां क्वांटिटी ली है वो ऑलमोस्ट एक एक कप इक्वल दाल, ठीक है जी, वो मैंने डाल दी यहां पे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हल्दी आधा छोटा चम्मच डाल लें और नमक, वो जी टणक 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 करके डालिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको भी, ठीक है जी, बहुत मजेदार है। और अपने सेहत अनुसार
स्वाद अनुसार, परिवार में कोई प्रॉब्लम ना उसके अनुसार, सब चीज़ों के अनुसार आप डालिएगा। तो जनरली जो क्वांटिटी होती है, ये मूंग मसूर में पानी कम लगता है कि जल्दी उबल जाती है, इसलिए ज़्यादा पानी भी मत डालिए, पता चला आप उबालते रह गए, ठीक है, ये हो गया काम ख़त्म, इसको उबालने छोड़ देते हैं। यहाँ प्रेशर कुकर में अगेन मैंने 3 कप लिए पानी, यहाँ पे 3 कप पानी लिया है, और ये वापस आधा कप मूंग, ठीक है, यहाँ कॉम्बिनेशन अलग, आधा कप मसूर, ये लीजिए, और तूर दाल, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आजकल बहुत चलता है। तो तूर दाल जब सोक करके रख देते हैं ना, वो लगभग 1 कप ले रहा हूं, ठीक है, मूंग मसूर 1 कप दोनों मिला के, और 1 कप तूर दाल। इसमें वापस ये लीजिए हल्दी आधा छोटा चम्मच, और नमक, ठीक है जी, ये डाल लें, टनक 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 टनक, आह करिए करिए, आप नाचिए झूमिए गाइए, क्या बात है। अब यहां भी ढक्कन लगा देते हैं और प्रेशर कुकर भी बंद कर देते हैं, ये लीजिए, अब इनको छोड़ देते हैं। प्रेशर कुकर कम से कम, अगर आपको पूरे मूंग मसूर पूरी गली हुई और तूर दाल भी एकदम सॉफ्ट चाहिए, तो कम से कम 4-5 सीटियां तो चाहिए। तो अब प्रेशर कुकर में पकाने का मतलब ये है कि प्रेशर कुकर में लगभग 7-8 मिनट मैक्स, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा नहीं, उसमें 4-5 विसल्स जो लगती हैं लग जाए, दाल बिल्कुल तैयार हो जाती है मैक्सिमम चीज। अब यहाँ पे जो फ्राइंग पैन है वो आप देखेंगे, उसमें अभी भी दाल बॉयल हो रही, तो ये कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट लगेंगे इसको, और ठीक से गलने, तो ये फर्क होता है कि आप जब पैन में उबालते हैं, शायद इसीलिए हिंदुस्तान में सब लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं ताकि खाना थोड़ा सा जल्दी बन जाए। पुराने ज़माने में नहीं यूज़ करते थे उतना ज़्यादा, लेकिन अब ज़रूर यूज़ करते हैं सभी लोग। तो ये दाल पकने में, पैन में जो पक रही है, ये कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे, ये 8 मिनट मैक्स, और स्ट्रेच भी करेंगे तो 10 मिनट उससे ज़्यादा नहीं, उतने में दाल पूरी बढ़िया गल जाती है, बढ़िया हो जाता है प्रेशर कुकर में। तो हमें इंतज़ार करना है, ये मूंग मसूर दाल जब तक पूरी गल नहीं जाती तब तक इंतजार करते हैं। तो ये लीजिए, ये मूंग और मसूर की दाल, ये देखिए क्या बात है, ऐसे पतली होनी चाहिए तभी आपको मजा आएगा, और इसको लगाएंगे तड़का, तो ये दो लोगों के लिए परफेक्ट है। तो ये देखिए गाढ़ी है क्योंकि इसमें तूर दाल भी डली, ये हमने मूंग मसूर और तूर लिया, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा थी, इसमें 1 कप तूर भी डाला था और 1 कप पुट टुगेदर दोनों मिला के मूंग मसूर और 1 कप तूर, तो ये क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो अब तड़का लगाएंगे बढ़िया वाला, ठीक है जी, तो क्वांटिटी इसकी दाल की क्वांटिटी और हम लेते हैं तड़का लगाने के लिए। पहले जो तड़का लगेगा वो हींग जीरे का लगेगा, और एसेंशियली उसमें मैं घी ही डालूंगा, ठीक है जी, ये लीजिए, अब मैं तो जी सिंपल स्टोरी आपको बता रहा हूँ, 2 बड़े चम्मच घी के लिए मैंने इसमें डालने के लिए दाल में, तभी मज़ा आता, दाल का स्वाद बढ़ जाता है। पुराने ज़माने में लोग जैसे कहते थे ना कि दाल में चिकनाई आ जाती है, हाजमे के लिए अच्छा है, मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि दाल में टेस्ट बढ़ जाता है, खाने में मज़ा आता है। अब हींग जीरे के तड़के के लिए बड़ा सिंपल है जी, ये हींग लूँगा मैं काफ़ी सारा, इतनी सी दाल के लिए मैं हींग 1 टीस्पून ले रहा हूँ, ये लीजिए, और जीरा 1 बड़ा चम्मच ले रहा हूँ, इसमें हरी मिर्चें डालूंगा 3-4 बस, ये लीजिए, अब इसको भूनेंगे अच्छे से, आहा क्या बात है, दाल बिल्कुल सिंपल मजेदार। अब इसमें ये दाल डाल लेते हैं, हींग जीरे का तड़का लगाने के बाद बस काफी देर तक ना पकाएं, अगर दाल आपको लगती है पहले पतली है आपके अंदाज से, तो
तो आप पहले ही थोड़ी देर और पका लें ताकि पानी थोड़ा कम हो, क्योंकि हींग लगा के तड़का ना आप बहुत देर तक पकाएंगे तो फ्लेवर उठ जाएगा, इसलिए ये बंद। ठीक है जी, दाल मैंने थोड़ी सी पतली रखी यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी दाल खाने को मिलती थी और फुलके के साथ बड़ा मजा परोसने के लिए। ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें जो खुशबू आ रही है वो मुझे बिल्कुल पता चल रहा है कि जीरे की और हींग की खुशबू है। बहुत सिंपल दाल देखिए, और जो मज़ा देसी घी का आएगा ना इसमें पूछिए मत। तो कई प्रकार के तड़के लग जाते हैं, तो ये तड़का लग गया। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए बड़े सिंपल तरीके से। ये लीजिए, ये हींग जीरे की दाल तैयार। नेक्स्ट वाली दाल, तो जी हींग जीरे की दाल तैयार। मैंने उतनी ही दाल मूंग मसूर वापस से बॉईल करके यहाँ रखी है, उसका तड़का मेरे घर वाला स्टाइल, जैसे मेरी बेबे बनाया करती थी वो वाला स्टाइल। उसके लिए तेल, तड़का जो है वो मजेदार होना चाहिए, सिंपल सी स्टोरी, इसलिए तेल लगेगा जी। 2 चम्मच तेल डाल दिया हमने। इसमें अब डालेंगे हींग, ठीक है जी, 1/2 चम्मच। इसमें हींग का फ्लेवर जो है वो ज़्यादा नहीं होता, इसलिए 1/2 चम्मच हींग ये डाल लीजिए। जीरा जो है 1 चम्मच, और जीरा जब भून जाएगा अच्छे से, ये जनरल स्टाइल, मतलब इसको आप कह लें कि नॉर्मल जो दाल बनती घर पे वो वाला स्टाइल है, और जीरा जब भून जाए तब इसमें लहसुन 1 बड़ा चम्मच डालें, अदरक डालें 1 बड़ा चम्मच, हरी मिर्चें 2 से 3, और इसको भूनें अच्छे। और इसके बाद अब प्याज डालेंगे इसमें, एक बड़ा वाला प्याज बारीक कटा हुआ ये डाल लें, इसको भून लें। दो मिनट तक आपने भूनना है प्याज डालने के बाद, ब्राउन नहीं करना है मुझे प्याज, हल्का सा भूनना है और इसकी कड़वाहट प्याज की चले जाए, बस वही हमारी कोशिश है। प्याज डालने के बाद 2 मिनट तक ही भूनना है बस आपने, और ब्राउन करना नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है, हल्के से मीठापन आ जाए प्याज में, बस ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। और इसी में मैं टमाटर डाल लूंगा, दो कटे हुए टमाटर डाल लें, और वापस 2 मिनट तक पहले भूनेंगे। अब क्योंकि इसमें काफी सारे तड़का लग रहा है जबरदस्त वाला, तो थोड़ा सा नमक बनता है, लेकिन चेक करिएगा, क्योंकि दाल में भी आपने नमक डाला था, इसलिए यहाँ पे मैं 1/2 छोटा चम्मच ही डाल रहा हूँ नमक। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और डालेंगी, लाल मिर्च पाउडर ये 1 छोटा चम्मच, ठीक है जी, मज़ेदार थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ये भी डालूँगा 1/2 छोटा चम्मच। और मेरे घर में मेरी बेबे का एक स्पेशल गरम मसाला होता था, वो कॉमनली यूज़ करती थी सबके लिए। ये अब डाला और इसको भून लेते हैं। हल्दी आप चेक कर लें, अगर दाल में आपको लगता है कि हल्दी काफ़ी सारी डली है और उसका कलर येलो दाल जैसा है बढ़िया पीला, तो हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं।
टमाटर जब गल जाए उसके लिए पहले 2 मिनट लगेंगे, मसाले डालने के बाद और 2-3 मिनट तक भूनिए, कुछ टमाटर गलेंगे कुछ खड़े रहेंगे, ठीक है, रहने दीजिएगा। और ये दाल डाल लेते हैं, और इसको घोटिएगा। इसके बाद डालने के बाद घोटिए अच्छे से, ठीक है, बैक ऑफ द स्पून से रगड़िए फ्राइंग पैन में ताकि ये स्मूथ हो जाए, ठीक है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये दाल को थोड़ी देर उबालिए 2-3 मिनट तक, और उसके बाद बढ़िया तैयार परोसने के लिए। तब तक मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया ले लेते हैं और चॉप कर लेते हैं। बढ़िया दाल तैयार, गाढ़ी सी, हाँ हाँ हाँ, इसको बंद कर लेते हैं परोसने के लिए। ये देखिए क्या बात है, वाह, बढ़िया, एकदम गाढ़ी वाली दाल, और गार्निश कर लेते हैं हरा धनिया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताऊं, इस दाल में जब मेरे घर में ये बनती थी तो ऊपर से एक छोटा चम्मच घी डल जाता था हर एक बोल में। ये लीजिए इस तरह से डालें, आहा क्या बात है, अब टेस्ट बढ़ गया। ये लीजिए, ये कंफर्ट वाली दाल है, हर एक के घर में बनती है, वो वाली दाल है जो पहले वाली बनाई थी, वो आपको यूपी में उस साइड में काफ़ी मिलती है, हींग जीरा बहुत चलता है। ये लीजिए, वाह, दाल नंबर 2। और जो लास्ट वाली दाल है वो है टमाटो परुकु, वो बनती है आंध्रा में, बड़े मज़ेदार बनती है। मेरा अपना एक स्टाइल है, क्योंकि मैं जब हैदराबादी उस्ताद के साथ काम करता था काफ़ी सारी आंध्रा डिशेज हम लोग बनाते थे, और वो अब बनाएंगे। ये तेल ले लेते हैं 2 बड़े चम्मच, और इसके लिए जैसे मैंने बताया आपको कि हमने यहाँ पे मूंग मसूर और तूर दाल ली है, ठीक है जी। कई बार ऐसे होता है आंध्रा में सिर्फ तूर दाल ही उबालते हैं, लेकिन मसूर और मूंग भी ले लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन मैंने लिया। अब ये भी स्पेशल है, और जैसे मैंने अपने हैदराबादी उस्ताद से सीखी वो आपको बताता हूँ। और उसके लिए पहले हींग डालेंगे थोड़ा सा तेल में, ये 1/4 छोटा चम्मच हींग, और इसके साथ साथ जीरा 1 छोटा चम्मच, पहले भूनेंगे। और लगभग 20 सेकेंड के बाद आपने राई डाल ली, ये भी 1 छोटा चम्मच डाल लें। राई जब फूट फूट के रोने लगेगी, ससुराल जाना होता है उसको, तब दूसरी चीजें हम डालेंगे, ठीक है जी। इसमें टैंगीनेस जो है वो टमाटो से आता है और टैमरिंड से आता है, और बड़ी मजेदार दाल होती है। टमाटो का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे ही राई जो है लगे फूटने के लिए, हम डालेंगे प्याज, 1 छोटा प्याज डाल लेते हैं कटा हुआ, और 2 मिनट तक भूनिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये
एक छोटा चम्मच डाल लें। हरी मिर्चें, दो हरी मिर्चें, और टमाटर। ये देखिए मेन कंटेंट टमाटर का होता है। ये लगभग तीन बड़े वाले टमाटर ले लें, तीन, जितनी क्वांटिटी दाल मैंने ली है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तीन बड़े वाले टमाटर ले लें, ये डालें इसमें और भुनाई शुरू कर देते हैं। अब मज़े वाली बात यह है, क्योंकि तड़का जो है बहुत मज़ेदार है, इसलिए थोड़ा सा नमक लगेगा। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच डालूँगा, फिर आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दाल में भी हमने नमक डाला है। और इसके साथ साथ लाल मिर्च पाउडर, ये 1.5 टीस्पून, ठीक है, ये दाल स्पाइसी होती है, ये डाल लेते हैं। और हल्दी हमने डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं, 1/4 छोटा चम्मच, ये लीजिए। और अब इसमें करी पत्ता ये भी डाल लेता हूँ, ये लीजिए, वाह। ये आप दोनों काम कर सकते हैं। कुछ लोग अभी सोचते होंगे कि अरे पहले क्यों नहीं डाला। मैंने अक्सर देखा है जब आप पहले डालते हैं ना, तो फ्लेवर जो है करी पत्ता का वो आता नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग। ऐसे डालेंगे तो आएगा। तड़का भी लगा सकते हैं, यू कैन ऐड इन दी बिगनिंग ऑल्सो। अब इसमें बढ़िया करी पत्ते का फ्लेवर आ रहा है, 8-10 पीस मैंने डाले, वाह। मेरा हैदराबादी उस्ताद क्या करता था, एक इस तरह से पूरा का पूरा ये जो स्टेम होता था ये पूरा पर पूरा लेके डाल देता था, पूरा इस तरह। और अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून टैमरिंड पेस्ट, एकदम गाढ़ा वाला, वो डाल रहा हूँ, और थोड़ी सी खटास जो है ना वो आएगी इससे, वाह क्या बात है, ये देखिए मज़ेदार। अब ये दाल सारी की सारी इसमें डाल देते हैं। वाह क्या बात है, इसको उबलने देते हैं लगभग 2-3 मिनट तक, अच्छे से उबल जाए, सब कुछ चीजें मिल जाए, फिर क्या मजे से आप चावल के साथ खा सकते हैं। अब जब बढ़िया तरीके से उबल जाए दाल, हम परोस लेते हैं दाल को, ये लीजिए गाढ़ी बढ़िया, थोड़ी सी खट्टी, टमाटो तीखी एकदम, ये लीजिए, और इसमें फ्रेश करी पत्ता डाल देते हैं इसमें यहाँ पे, और थोड़े से टमाटो, ये लीजिए, वाह। अब ट्रेडिशनली ये सारी जो दालें मैंने बनाई है ये स्टीम राइस के साथ बहुत मज़ा आता है, लेकिन फुलका भी मिले तो मज़ा आता है, पराठा भी मिले तो मज़ा आता है, दाल चीज़ ही ऐसी है एक्चुअली, किसी के साथ भी खाओ तो मज़ा आता है। और दाल और भी कई सारी प्रकार की होती हैं। आज इतना ही, ये 3 प्रकार की दालें बनाए, स्वाद चखिए, इसके बाद और कुछ मिलेगा आपको। तब तक देखते रहें मेरा YouTube चैनल, और अगर ये दालें पसंद आई हैं, आपको अच्छा लगा तो बेल आइकन भी दबाइएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और अपनी दाल स्टोरी जरूर बताइएगा।